दोस्तों, ये लड़की अपने पति से छिपकर फूल और दुपट्टे को गिराते हुए इस व्हीलचेयर के पास आ जाती है। तभी इसका पति आ जाता है और गिरे हुए फूल को उठा लेता है और ये लड़की अपने दुल्हन वाले ड्रेस को उतारने लगती है। तभी ये बंदा फूल को उठा करके आगे आने लगता है और ये लड़की एक काले रंग का नकली हेयर विग पहन लेती है। तभी ये बंदा लड़की का गिरा हुआ दुपट्टा भी उठा लेता है। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये लड़की फिर से भूरे रंग का नकली हेयर विग पहन करके व्हाइट जैकेट को पहनने लगती है। तभी ये बंदा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी पत्नी के बारे में सोचकर रोने लगता है और ये लड़की व्हाइट जैकेट को अच्छी तरह से पहन करके व्हील चेयर पर बैठ जाती है। तभी ये बंदा टेंशन में आकर सामने वाले बंदे के साथ में बदतमीजी कर देता है और ये बंदा गुस्से में आकर अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाता और उसका बाल खींच देता है। तभी ये लड़की इसको डांटने लगती है और ये उल्लू पति अपने पत्नी को नहीं पहचान पाता और सॉरी बोलकर निकल जाता है। दोस्तों, ये लड़की पुलिस वाले से छिपकर इस पुतले के बगल में पुतला बनकर अच्छी तरह से खड़ी हो जाती है। तभी ये पुलिस वाला पीछे से आने लगता है और ये लड़की चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तभी ये पुलिस वाला पुतले को लड़की समझकर तुरंत पकड़ लेता है और ये पुलिस वाला पुतले को पहचान लेता और बगल में खड़ी लड़की को देखकर भी पुतला समझने लगता है। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तभी ये पुलिस वाला पुतले के बाल को सीधा करके लड़की के चश्मे को निकाल लेता है और अपना चश्मा उतार के लड़की के चश्मे को पहन के देखने लगता है। तभी ये चश्मा पुलिस वाले को पसंद नहीं आता और लड़की का चश्मा पुतले के सर पर पहना देता है और ये पुलिस वाला लड़की को पुतला समझकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी ये उल्लू पुलिस वाला लड़की और पुतले को बिना अच्छी तरह से देखे ही वहां से चला जाता है और लड़की अपना चश्मा लेकर वहां से भाग जाती है।